हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनन्या वालिया और मेरे चैनल का नाम है वन गर्ल हर जर्नी। तो आज मैं जा रही हूँ मॉल ऑफ एमिरेट्स। आप इस वीडियो में देखोगे काफ़ी क्लिप्स मॉल ऑफ एमिरेट्स की। का मेन अट्रैक्शन है यहाँ की स्की, जो कि वर्ल्ड्स बेस्ट इंडोर स्की रिजॉर्ट है यहाँ पे। तो हम मेनली वो एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं मॉल में। काफ़ी हाई एंड ब्रांड्स हैं जो कि आप आओ तो एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन क्योंकि यहाँ का मेन अट्रैक्शन स्की है तो वो तो मतलब इट्स अ मस्ट। अगर आप यहाँ पे आओ तो आपको वो तो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। पहले ही आके टिकट ले ली थी स्की की। एडवाइस यू कि ऑनलाइन बुक करो तो ऑब्वियसली अच्छा ही है, लेकिन अगर फिजिकली लेने जा रहे हो तो एक दिन पहले अलग से जाके लो। कुछ भी करो तो एक दिन पहले कर लो, बिकॉज कोई पता नहीं होता कि फुल है जो मतलब आपका स्लॉट हो वो फुल भी हो सकता है। हो सकता है आपको टिकट्स ना मिलें। काफ़ी अलग अलग शोज़ होते हैं, लाइक पेंगुइन शो, तो वो भी मिस हो सकते हैं अगर आप लेट पहुंचो या आपके स्लॉट्स फुल हो तो। सो मेक श्योर एक दिन का टाइम गैप लेके चलो, एक दिन पहले टिकट कर लो। तो मैंने पूरे दिन के स्टेकेशन वाली टिकट की थी जिसमें पेंगुइन शो इंक्लूडेड था, तो मुझे पड़ा पर पर्सन 250 दिरहम का मेरा स्की का टिकट। And now I'm on my way, going to reach, and then I will show you everything about ski. I'm just hoping ki cameras andar allowed ho. इनसाइड द स्नो पार्क, हमारा डेकेशन वाला टिकट था, तो अभी हम यहाँ पे पूरा दिन स्पेंड करने वाले हैं। ऑलमोस्ट हम लोग दोपहर में ही पहुँचे हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ कैमरा बड़ी मुश्किल से ला पाई हूँ, बट चलो अनफॉर्चुनेटली नहीं फॉर्चुनेटली कैमरा तो लाने दिया, माइक एंड ट्राइपॉड नहीं ला पाई। यू विल गेट योर क्लोथ्स प्रॉपर जैकेट विद एवरीथिंग जिससे आपको ठंडा ना लगे, एंड यू विल गेट ग्लव्स, शूज, सॉक्स, तो लॉकर भी मिलेगा जिसमें आप अपना सामान रख सकते हो, एंड देन यू हैव टू कम इनसाइड। इट इज सुपर चिल इनसाइड, देख सकते हो आप, आई एम ऑल पैक्ड अप, एंड पर बहुत ही खूबसूरत है। लाइक आई हैव डन अ सिमिलर थिंग इन गोवा, बट वो बहुत डिफरेंट था इससे ऑब्वियसली, क्योंकि ये वर्ल्ड्स बेस्ट इंडोर
रिजॉर्ट है, आई मीन स्की रिजॉर्ट है। ऑल्सो हमारा पेंगुइन शो इंक्लूडेड है, सो मेक श्योर अगर आपका भी इंक्लूडेड हो तो आप उसके शो टाइमिंग से 10 मिनट पहले पहुंच के खड़े हो जाओ, बिकॉज वो स्लॉट चला जाएगा तो आपकी बुकिंग के बाद भी आपको नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर पहले से चले जाओ, यहाँ के स्टाफ से रिकन्फर्म करते रहो। कैप्चर नहीं कर पाई ऑब्वियसली बिकॉज आर्म्स हमारे बंद थे। हाँ। कैसा लगा? बहुत मजा आया, मैंने तो आंख ही बंद कर दी। और सच में वो नीचे आता है ऐसे ज़ू 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 ज़ू, मुझे लगा कि मैं कहीं लड़ वड़ के कहीं पलट जाऊं। हाँ सच में, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, यू शुड एक्सपीरियंस अगर डर लगता है तो भी, क्योंकि मजा आएगा। कोविड ताकि हम डिस्टेंस मेंटेन करके चलें। सो वी आर गोइंग फॉर आवर फर्स्ट चेयरलिफ्ट एक्सपीरियंस, आई एम सुपर एक्साइटेड। इस पे जाने वाले हैं हम लोग अब। वी आर ऑन द चेयरलिफ्ट, आई डोंट नो इसे यही बोलते होंगे। तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा है, मतलब पहाड़ों पे जाने की जरूरत ही नहीं है, सारे एक्सपीरियंसेस यहीं पे मिले जा रहे हैं हमें। ओह माय गॉड, लेट मी शो यू द व्यू। भी ऊपर जाने वाले हैं, जस्ट लुक एट दैट, टिल दैट लेवल। कैन यू बिलीव वी आर इनसाइड अ मॉल राइट देयर, मतलब वो सामने सब लोग देख रहे हैं मॉल से, हम भी मॉल में ही हैं बट हम लोग स्की के अंदर हैं। तो इट फील्स सो गुड, जब मैं मॉल आई थी सिर्फ टिकट करने के लिए तो मैं भी ऐसे ही देख रही थी ग्लास के थ्रू। वी हैव कम एट द टॉप राइट नाउ फॉर द व्यू एंड इट्स इनक्रेडिबल। ब्रिज है जो कि हल्का सा हिल रहा है, वो प्रॉपर फील देने के लिए माउंटेन वाली, आई गेस इट्स लुकिंग गुड। एंड क्रिसमस सॉन्ग्स बज रहे हैं। वी हैव टू स्टैंड इन द क्यू टू गेट आवर ट्यूब, नेक्स्ट एक्टिविटी है ये हमारी, वी हैव टू टेक इट नाउ एंड लोगों में जाना है। Like this? Okay. Yeah. Oh my God. Oh my God. मेरे बाल पूरे में घूम रहे थे। Oh God. Guys, मैंने पोनी बनाई थी पर और भी बाल बांध के आओ। But what an experience. Totally worth it. I'm going for this now. I am going inside. My God. Wow. Okay, that was good. Wow. Okay, that was good. Lights out, man. कोई
विंड टनल है जो कि थोड़ा हॉन्टेड सा है बिकॉज आवाज आ रही है. तो शिवि चलना है तो सबको डर लग रहा है. दिख भी नहीं रहा है यार, आवाज बहुत भयानक थी. चलो यार, हमारा पेंगुइन शो होने वाला है 5:30 पे. उससे पहले हम जा रहे हैं, हमारे पास आधा घंटा है चाय पीने, तो बस ठंडे हो चुके हैं. जस्ट लाइक अस, तो अंदर यहाँ पे कैफेज बने हुए हैं जिसमें यू कैन हैव टी. तो हमने मसाला चाय ली है, मसाला टी, जो कि हमें 15 दिरहम ईच की पड़ी. एंड हम यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, बैठने का भी बना है, जहाँ पे प्रॉपर हीटर भी लगा हुआ है. सो दिस इज सो रिलैक्सिंग इतनी ठंड में. एंड चाय भी अच्छी है. पेंगुइन शो, तो देखते हैं कैसा होता है. आई एम सो एक्साइटेड, मैं पहली बार पेंगुइन्स देखूंगी. आंटी भी पहली बार ही पेंगुइन्स देखेंगी. वी आर राइट नाउ इन द ब्रीफिंग रूम बिकॉज आई थिंक पेंगुइन के बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे जो कि हमें ध्यान रखनी है व्हाइल वी गो फॉर द पेंगुइन शो. तो हमने पेंगुइन शो देख लिया एंड अनफॉर्चुनेटली कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था बिकॉज ऑब्वियसली दे आर सेंसिटिव. एंड बहुत ही अच्छा शो था. आंटी शुभी बताओ कैसा लगा आप लोग को शो? बहुत मजा आया पेंगुइन के साथ खेल के, है ना? हमने उन्हें टच किया, हमने उनको देखा सामने से. सबसे पहली बार ही कर रहे हम लोग, बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत प्यारी होती है. सो यू मस्ट इंक्लूड द पेंगुइन शो अगर आप यहाँ आते हो बिकॉज बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होगा. सो वी आर फाइनली आउट ऑफ द मॉल एंड जो पेंगुइन्स की साथ की पिक्चर्स थी वो बहुत एक्सपेंसिव रखी है इन्होंने. इट वॉज़ 150 दिरहम पर पिक्चर, बट फॉर मेमोरी मैंने एक ले लिया ताकि मैं आप लोग को भी दिखा सकूँ. सो दैट इज़ द वन पिक्चर दैट यू आर गोना सी. एंड मेक श्योर कि आप ये बैंड ना हटाओ एंड तक, जब तक भी आपका ये पूरा कंप्लीट ना हो जाए, बिकॉज इसी से सब कुछ आप अवेल कर सकते हो दिखा के. ओके, आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो. दिस वॉज सो एडवेंचरस इवन फॉर मी. आई होप कि आपको भी उतना ही एडवेंचरस एंड थ्रिलिंग लगा हो वर्चुअली देख के. अगर आप मेरा वीडियो देख के ये सब एक्सपीरियंस करने आते हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. यू कैन ऑल्सो लेट मी नो ऑन माई इंस्टाग्राम विच इज़ वन गर्ल हर जर्नी. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. अब मैं जा रही हूँ वापस एंड आई एंड इट हियर. मेक श्योर यू सब्सक्राइब, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. ओके, बाय.